बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो टाइम भी आपको मिलता रहे। तो फिर चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है शिमला मिर्च कीमा। और शिमला मिर्च कीमा किस तरह बनेगा, की तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना एक चम्मच मिर्च का डाल दिया, एक ही चम्मच नमक का मैंने डाल दिया, एक ही चम्मच समझ लें मैंने हल्दी का डाल दिया, पौना चाट डाला। वैसे तो ये शिमला मिर्चें हम पका रहे हैं, ठीक है। ये मैंने अदरक लहसुन सब चीज़ें डाल दी हैं, टमाटर भी साथ में इनका पानी भी डाल देती हूँ, धो के रखा था। तो ये देखिए मैंने डाल दिया, अब ये मैं काट लूँगी, अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो भी बस यहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि आज की रेसिपी हमारी शिमला मिर्च और कीमे की है, तो कीमा हम लोगों ने यहाँ पर पहले तैयार करना है। और उसके लिए मम्मा ने इसके अंदर नमक मिर्च डाल के, प्याज टमाटर लहसुन शसन डाल के, सब कुछ डाल के इसको पकने के लिए अलग से रख देना है। और हम वक्त को बचाते हुए हम लोगों ने साथ ही जो से हमारी रेसिपी को शुरू कर लिया है। और इसी दौरान जब तक कीमा तैयार होगा हम लोग जो से वो शिमला मिर्च काट लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से जो सी रेसिपी हम तैयार करने जा रहे हैं शिमला मिर्च कीमे की, वो आप लोगों ने देखनी है। तो अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ जी, ये मैं पकने के लिए रख देती हूँ जाके, ठीक है। तो व्यूअर्स फिर आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं। चलिए ठीक है व्यूअर्स, जैसा कि आज की रेसिपी हमारी है शिमला मिर्च कीमा, तो कीमा हम लोगों ने पकने के लिए रख दिया था। तो अब आपको दिखा रहे हैं कि जो सा कीमा है उसको हमने उबाला चला दिया था, पकने के लिए रखा हुआ है। तो बबल्स इसके अंदर बन रहे हैं, इसको लगेगा मज़ीद टाइम क्योंकि जो सा कीमा है वो अभी तैयार नहीं हुआ। तो इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। को पता है कीमा हम लोगों ने पकने के लिए रख दिया था, लेकिन पानी अभी थोड़ा सा इसमें है, तो इसको भी हम लोग मज़ीद रिड्यूस कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग तैयार कर रहे हैं जैसे कि शिमला मिर्च और कीमा। तो फिर शिमला मिर्च को हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह बनेगी ये रेसिपी, ये आप लोगों ने देखना है और हमारे से जुड़े रहना है। तो व्यूअर्स, ये प्याज और शिमला मिर्च हम लोगों ने काट ली है। और अब मम्मा इसके बाद आपने बड़े बड़े प्याज काटे हैं, एक किलो ये शिमला मिर्च थी वो मैंने इस साइज में काटी है, वो अपनी मर्जी से भी आप काट सकते हैं। अब मैं ये बड़े बर्तन में डाल देती हूँ ना, फिर पकाने में आसानी हो जाएगी। तो फिर कीमा भून के इसमें डाल के ना फिर भून लेते हैं। अच्छा, मतलब कीमा हम लोगों ने अलग से तैयार किया है, इसको अब हम लोगों ने क्या, हाँ। मतलब इसके अंदर कीमा डाल देना कि नमक में डाले कुछ पकाना है इसे? नहीं, कीमा डाल दे, कीमे में सब चीज़ें हैं ना, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, हाँ नहीं, इसे बस डालना ही, इसमें डाल के कीमा डाल देना घी में भून के, तो फिर इसे पका लेना है। क्योंकि मैंने इसलिए टाइम बच जाए, मैंने कहा जल्दी से कीमा हो जाएगा इतने में सब्जी काट लेती हूँ मैं। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग इसको बर्तन में, वो छोटा बर्तन है ना वो डोई नहीं ना फिरेगी ज़रा, इसलिए मैंने बड़े बर्तन में डाल, ठीक है। ये मैंने घी डाल दिया, अब इसे भूनते हैं, फिर मैं ना इसमें डाल देती हूँ सब्जी में शिमला मिर्च। जो घी डाल के अच्छे से भूना ताकि जो सी इस कीमे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, और फिर इसको हम लोग शिमला मिर्च और जो से प्याज अभी हमने आप लोगों को दिखाया उसके अंदर शामिल कर देंगे। जी माशाल्लाह देखें, भून आ गया, कितना प्यारा कलर आ गया, घी भी आ गया। अब मैं ना शिमला मिर्चों में ना इन्हें डाल के ना कीमे को, तो फिर पकाते हैं। हाँ जी, ये देखें मैंने मिक्स कर दी हूँ और मैंने कीमा डाल दिया, ये देखें माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब बस ना इसे ना थोड़ा सा ही मतलब दम पे रख देती हूँ, ये हो जाएगा फिर आपको। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू। हाँ जी, ये देखें घी भी आ रहा है इसके ऊपर, माशाल्लाह हमारी हांडी ना तैयार हो गई है, निकाल के दिखाते हैं। ये बिल्कुल फाइनल हो गई है? हाँ जी, शिमला मिर्च हमने इतनी खड़ी रखनी है। हाँ जी बिल्कुल, नहीं ना वो मतलब घुल जाएगी ये, हाँ इतनी खड़ी खड़ी तो रखनी है ना। अच्छा, निकाल के दिखाते हैं। ये है कीमा शिमला मिर्च। तो वीवर, ये हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक जरूर दें। और इसके साथ साथ अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्विक नाद को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को क्विक नाद को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी जुड़े करोश टाइमली मिलते रहे। कीमा शिमला मिर्च और प्याज भी डाल दें। और हम लोगों ने सिर्फ कीमा और शिमला मिर्च नहीं बनाई, इसके अंदर थोड़े से प्याज भी ऐड किए हैं, क्रंची क्रंची से जो सी है शिमला मिर्च। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं उसको ओवर कुक किया और बहुत ज़्यादा हमने उसको मतलब कच्चा भी नहीं छोड़ा,
दरमियाना हम लोगों ने पकाया है कि जो शिमला मिर्च है वो भी अपनी शक्ल बरकरार रखे हुए है और जो कीमा है उसका पता है बिल्कुल घुल सा नहीं गया, बिल्कुल हलवा सा नहीं हो गया। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो, हमें अपनी फीडबैक देनी है। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।